तो चलिए गाइज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट क्या बोल रही हूँ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी गीता ब्यूटी लाइव सो गाइज कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज मैं आप लोगों के साथ कुछ कुर्तियाँ शेयर करना चाहती रही हूँ जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ की हुई हैं so सो गाइज उनमें से कुछ कुर्तियाँ मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई हैं और कुछ में कुछ गड़बड़ हुई है वो क्या गड़बड़ हुई है कौन सी वो कुर्तियाँ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सो so गाइज़ अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ गाइज़ इन सारी कुर्तियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा तो वहाँ से आप जाकर परचेस कर सकते हैं सो चलिए गाइज़ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेस गेट इस्टार्ट सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस कुर्ती सेट से जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है और इसका जो लुक है बहुत ही स्मार्ट आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले कुर्ती सेट से ये सारी जो कुर्ती सेट वग़ैरह हैं ये मैंने पहले से ही ओपन कर ली हुई है और इनको मैंने वेयर भी करा हुआ है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये वेयर करने के बाद इस तरह इसमें आपको दो कलर मिल जाएंगे ये मैंने इसका जो बेस है ब्लैक कलर का मंगाया हुआ है इसमें एक और कलर अवेलेबल है आप चाहें तो उसे ही परचेस कर सकते हैं गाइस आप देख सकते हो ये इस तरह का कुर्ती है पूरी आप देख सकते हैं इसमें कॉलर दी नेक दिया हुआ है जो कि काफ़ी स्मार्ट लगता है वेयर करने के बाद इस तरह से देखिए कॉलर नेक दिया हुआ है पूरे आपको पूरी कुर्ती में इस तरह से प्रिंट रिसीव हो जाएगा और इसका बेस जो है ब्लैक दिया हुआ है और इस तरह से आपको ब्राउन कलर के फ्लावर मिल जाएंगे ये थ्री क्वार्टर स्लीप्स आपको स्लीवस मिल जाएगी इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो बॉर्डर की डिज़ाइन दी हुई है जो काफ़ी अच्छा लुक देती है पूरी कुर्ती आपको इस तरह से मिलेगी और ये देखिए आपको ये ए लाइन कुर्ती मिलेगी और यहाँ पर आपको सामने से आपको ये वाइट कलर के बटन मिल जाएंगे इस तरह से लगे हुए हैं ये सारे ओपनेबल नहीं है कोई भी ओपनेबल नहीं है गाइस इस तरह से आपको थोड़ा सा ओपन मिलेगा इससे आपका जो स्थिर है आराम से जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस तरह से सारी जो बटने हैं ये ओपन नहीं होती हैं ये देखिए पूरा ए लाइन आपको कुर्ता मिलेगा और फ्रंट में आपको इस तरह से स्लिट मिल जाएगी ये देखिए सो so, वेयर करने के बाद इसका लुक जो काफ़ी आ, आ, अच्छा आता है और जो इसका क्लॉथ है ये प्योर कॉटन का क्लॉथ है गाइज तो बहुत ही कंफर्टेबल है इस तरह के क्लॉथ मुझे काफ़ी पसंद आते हैं इन्हें आप गर्मियों में सर्दियों में किसी वेदर में वेयर कर सकते हो तो आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो मुझे बहुत पसंद आया क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है देखिए प्राइस भी इसके बहुत रीजनेबल थे जो भी प्राइस होगा मैं स्क्रीन में लगा दूंगी और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी इसके साथ मुझे ये प्लाजो रिसीव हुआ है ये देखिए आपको इधर यहाँ पर इलास्टिक मिल जाएगी दोनों साइड ये देखिए काफ़ी अच्छी इलास्टिक की क्वालिटी है और इस तरह से आपको पूरा प्लाजो रिसीव हो जाएगा सेम वैसा ही है जैसा कि कुर्ती है यहाँ पर आपको इस तरह का बॉर्डर रिसीव हो जाएगा इसकी ब्रेथ आप देख सकते हो काफ़ी ब्रॉड है और जब इसको हम वेयर करते हैं इस कुर्ती के साथ तो लुक भी बहुत अच्छा देता है तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये प्लाजो और इसका भी जो कलर है बिल्कुल प्योर कॉटन है तो आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो मुझे ये काफ़ी पसंद आया मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की सो नेक्स्ट गैस मैंने ये कुर्ती परचेज की हुई है ये देखिए बहुत ही प्यारी कुर्ती है इस तरह से आपको ऑरेंज कलर की कुर्ती रिसीव हो जाएगी इसको मैंने वेयर कर लिया है एक सौ दो बार मैंने इसको वेयर करा हुआ है काफ़ी अच्छा लुक दे देती है इसको आप वाइट पैंट के साथ या फिर प्लाजो के साथ लैगी के साथ वेयर कर सकते हो काफ़ी अच्छा लुक देती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी डिज़ाइन दिख रही है इस तरह से गोटा पट्टी इसमें लगाया हुआ है यहाँ पर साइड से और यहाँ पर आपको लहरिया का प्रिंट डिज़ाइन दिया हुआ है देखिए योग पार्ट पे आपको थ्री क्वार्टर स्लीव्स इसमें आपको रिसीव हो जाएगी और यहाँ स्लीव्स में भी आपको इस तरह से डिज़ाइन रिसीव हो जाएगा यहाँ पर भी आपको ट्रैंगल वाली जो गोटा पट्टी की लेस आती है वो लगाई हुई है इसका राउंड नेक है इस तरह से ये देखिए मैंने अब लार्ज साइज मंगाया हुआ है और पूरी कुर्ती आपको इसी प्रिंट में ही बांधनी प्रिंट में रिसीव हो जाएगी प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ साइड से आपको स्लिट मिल जाएगी इस तरह से स्ट्रेट कुर्ती है पूरी और बैक साइड में आपको बता दूँ तो बैक साइड में भी आपको इस तरह से पूरा प्रिंट मिल जाएगा बस काफ़ी अच्छा लुक देती है इसका क्लॉथ जो है रिओन कॉटन है क्लॉथ भी इसका काफ़ी अच्छा है वो पतला वाला रिवन नहीं है जो कि बहुत जल्दी मतलब सिकुड़ने लगता है मतलब कहीं भी बैठ जाओ आप बैठ जाओगे ना आप तो वो वाला रिओन जो होता है ना बिल्कुल सिकुड़ जाता है उसको बिना प्रेस के तो हम पहन ही नहीं सकते हैं और बैठने में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि यार कहीं सिलवटे वगैरह तो ज़्यादा नहीं आ गई हैं तो गंदा लगता है देखने में वो वाला ये रिओन नहीं है बहुत अच्छा वाला रिओन है और गैज़ ये जो आप प्रिंट देख रहे हो ये क्लॉथ में ही है ये निकलने वाला नहीं है ये देखिए क्लॉथ में ये सबसे अच्छी बात तो यही है कि क्लॉथ में इसका जो प्रिंट तो काफ़ी अच्छा है मुझे लगा इसका लुक भी अच्छा लगा और क्लॉथ वगैरह भी अच्छा लगा सो कैसे आप लोग ले सकते हो मेरी तरफ़ से हाईली रिकमेंड है नेक्स्ट आइटम मैंने फ़्लिपकार्ट से हेयर एक्सटेंसन मंगाया हुआ है देखिए इस तरी इस तरीके से तो आप देख सकते हो मेरे हेयर जो है काफ़ी थिन है तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार ट्राई कर लेते हैं बहुत लोग इसको बहुत लोग हेयर एक्सटेंशन जो वेयर करते हैं तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसा है सुग आप देख सकते हो ये इस तरह का है देखिए इसकी लेंथ आपको इतनी मिल जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लिप लगी हुई है टिकटॉक क्लिप तो इसको ओपन करके और अपने बालों के बीच में इसको सेट कर सकते हैं तो आपके जो बाल हैं काफ आपकी हेयर जो है मतलब अगर थिन है तो काफ़ी अच्छा बाउंस आ जाएगा तो यार बहुत अच्छी चीज़ है ये देखिए इसकी क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है और शाइन देख रहे हैं आप बालों में कितनी अच्छी है तो आप अपने बालों के हेयर के कलर के अनुसार ही इसको मंगा लीजिएगा ये मैंने ब्राउन कलर मंगाया हुआ है ये देखिए सो so, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है आप लोग ट्राई करिएगा आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा या मैंने तो पहली बार मंगाया है अभी ट्राई नहीं किया है अभी देखते हैं कि ये कैसा लगता है और लगाने के बाद और इससे लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है जब ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करूँगी चलिए नेक्स्ट आइटम की बात कर लेते हैं सो so, गाइस नेक्स्ट आइटम ये है हमारा ये कुर्ती हमने मंगाई थी फ़्लिपकार्ट से और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी इसका ब्रांड कुछ मोक् मोक्छी ब्रांड से है ये ये देखिए कुर्ती बहुत प्यारी है देखने में इसका क्लॉथ वगैरह भी रही कॉटन है क्लॉथ भी काफ़ी अच्छा है बस इसमें एक प्रॉब्लम है आपको इस तरह से स्ट्रेट कुर्ती मिल जाएगी ये देखिए यहाँ पर स्लिट दी हुई है और ये अभी प्रेस वग़ैरह नहीं है क्योंकि इसको मैंने वॉश किया था यहाँ पर आप देख सकते हो नेक पर इस तरह से लेस मिल जाएगी इसको मैंने हैंड वॉश किया था और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इस तरह से रगड़ दिया था मैंने इसको तो आप देख सकते हो यहाँ पर फेड हो गया ये देखिए यहाँ पर जो इसका कलर है ना ये इधर हल्का सा निकलने लगा है देखिए प्रिंट जो है ये ऊपर से जो दिया हुआ है ना प्रिंट ये देखिए निकलने लगा है तो बस इसमें हमको यही ध्यान रखना है कि इसको हमें बहुत आराम से वॉश करना है बट यार जब हम इसको दो से चार बार पांच बार इसको वॉश कर लेंगे तो ये कलर छोड़ मतलब ये प्रिंट निकल जाएगा और अगर कहीं कहीं से प्रिंट निकल गया ना तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो ये मुझे सबसे बड़ा सबसे बड़ी खराबी मुझे यही लगी कि यार इसमें प्रिंट जो है निकल रहा है अगर ये प्रिंट नहीं निकलता तो बहुत अच्छा लगता है कि सेल्फ में ही ये प्रिंट होता ना तो काफ़ी अच्छा लगता ये ऊपर से प्रिंट दिया हुआ है जो कि निकल रहा है गाइस तो मुझे ये थोड़ी सा खराब लगा तो इसके प्राइस वग़ैरह भी अच्छे थे रीजनेबल प्राइस में मिल गई थी बस यही है अभी मैंने इसको एक से दो बार ही वेयर किया हुआ है और उसको फर्स्ट बार ही वॉश किया हुआ है फ़र्स्ट बार में ही इसका कलर इस तरह से निकल गया है देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये यह देखिए यहाँ से कलर जो है निकलने लगा है देखिए सो so सोगा कुर्ती वगैरह तो काफ़ी अच्छी है अगर आप लोग तो ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है मतलब हम अपने पैसे डालें और एक दो वॉश में इसका लुक ही चला जाएगा कलर ही इसका प्रिंट वगैरह निकल जाएगा तो इसका लुक ही अच्छा नहीं लगेगा और प्रिंट अगर कहीं कहीं से निकला कहीं से नहीं निकला तो ये पहनने लायक भी नहीं जाएगी तो मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं सो गाइज यही था आज का हॉल वीडियो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे वीडियो को फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू ऑल